Islamic, or do they act like share, comment, subscribe? الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور آنے والی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر رکھا، یہ مختصر سی زندگی، لیمیٹڈ ٹائم، اور وہ لامحدود زندگی دائمی اور ہمیشہ کی، اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ آخرت کی زندگی لامحدود، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کو دنیا کی زندگی کے اوپر کیسے یہ کیا کہ بھائی یہاں کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں عارضی تو ہے لیکن آخرت کا دار و مدار کسی پر ہے؟ یہ 60-70 سالہ زندگی، اس پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال میں سوچنے والی بات ہے۔ یہاں کی 70 سالہ زندگی تو وہاں بھی 70 سالہ، اس لیے ہم نے فضائل میں، کتابوں میں، احادیث میں پڑھا اور سنا بھی کہ اگر کوئی آدمی یہاں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر وہاں کتنا بڑا ابھر کر آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا جس کی لمبائی چوڑائی
कितनी तेज रफ्तार सवारी उसके पीछे साल हर साल तक दौड़ा दे रहो, तब भी वो साया खत्म होने वाला नहीं। मालूम ये हुआ कि यहाँ की थोड़ी सी नेकी उस पर अल्लाह ताला आखिरत में बहुत सा अजर और बहुत सी नेमतें अता करने वाले हैं। तो इतनी सारी नेमतें और इतनी सारी अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात के लिए ज़िंदगी भी वैसी तवील चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला वहाँ तवील ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। और दुनिया की ज़िंदगी में इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात अता फरमाए, आदमी कभी बुराई करता है कभी नेकी करता है, कभी मासीयत करता है कभी फरमा बरदारी करता है। यहाँ दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में इस तरह बनाया कि आदमी यहाँ डर डर कर ज़िंदगी गुजारे, उसके सामने आखिरत के अहवाल हैं, कब्र के अहवाल हैं, बरज़ख के अहवाल हैं, मैदान महशर है, जन्नत है जहन्नम है। तो आदमी इसके मुताबिक सोच कर समझ कर अपनी ज़िंदगी को कीमती समझे और उसके बाद यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखे। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी को फूंक फूंक कर गुजारते हैं, कोई लम्हा कोई दकीका कोई मिनट कोई सेकंड उसका ऐसा न गुजरे जो उसको मासीयत की तरफ ले जाए, अल्लाह की यादों से उसे गाफिल कर दे, उसे जहन्नम की तरफ ले जाए। उसकी सोच यही है, उसकी उम्मीद यही है, उसका मंशा यही है और उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये है, मेरा उठने वाला हर कदम नेकी की तरफ जाए, मेरा उठने वाला हर कदम मुझे जन्नत की तरफ ले जाए और जहन्नम से दूर कर दे। एक तरफ जन्नत है दूसरी तरफ जहन्नम। जन्नत ये अल्लाह की रजा का मकाम और जहन्नम ये अल्लाह की नाराज़गी का मकाम। और जो सच्चे ईमान वाला होता है, जिसके दिल में खौफ़े खुदा होता है, जिसके दिल में खशियत इलाही होती है, वो हमेशा जन्नत वाले काम करेगा, अल्लाह की रजा और खुशनूदी हासिल करने की कोशिश करेगा, वो नारे नमरूद से जहन्नम से अपने आप को दूर ले जाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, मैं कैसे जहन्नम से बच जाऊँ जन्नत में जाने वाला बन जाऊँ, मैं कैसे अल्लाह की नाराज़गी से बच जाऊँ, अल्लाह की रजामंदी और खुशनूदी मुझे कैसे हासिल हो ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, जन्नत की नेमतों में दाखिल हो जाऊँ, अल्लाह की रजा का परवाना मुझे मिल जाए। ये ईमान वाले की सोच हो। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि मोमिन बंदा जिसके दिल में खशियत खुदाबंदी हो, अल्लाह का डर हो, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, और यही आंसू इंसान को जहन्नम से नजात दिला देते हैं। हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से जो अल्लाह के खौफ से रोया, जिसकी आंखों से आंसू बह पड़े, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं, दोज़ख की आग से उसे अल्लाह बचा लेते हैं। एक है दुनिया की आग और एक है जहन्नम की आग। ये दुनिया की आग आखिरत और जहन्नम की आग के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। दुनिया की आग ये अच्छे को बुरे को सबको जलाती है, नेक को बद को मुत्तकी को गुनेगार को सबको जलाती है। दुनिया की आग ये सबके लिए बराबर, इसमें अगर कोई नेक बंदा हाथ डाले वो भी जलेगा, कोई गुनेगार हाथ डाल दे वो भी जल जाएगा। अल्लाह के एक पैगंबर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को इस दुनिया की आग ने जलाया,
अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान को इस आग ने जलाया। अगर कोई नेक खातून रोटी पकाते हुए बेतवज्जुही इख्तियार करे तो ये दुनिया की आग उसे भी जला देती है, और जहन्नम की आग सिर्फ गुनहगारों को जलाएगी, नाफरमानों को जलाएगी, वो मुत्तकियों को, अल्लाह वालों को, नेक बंदों को नहीं जलाती। जहन्नम की आग में ये फर्क है कि वो सिर्फ गुनहगारों को जलाती है, नाफरमानों को जलाती है, दुनिया की आग सबको जला देती है। और दुनिया की आग ये पानी डालने से बुझ जाती है, जहन्नम की आग पानी डालने से भी नहीं बुझती। दुनिया की आग पानी छिड़को बुझ जाती है, जहन्नम की आग बुझने वाली नहीं, तो वो किससे बुझेगी? फरमाते हैं कि जहन्नम की आग गुनहगार बंदों की आंखों से निकले हुए आंसुओं से बुझ जाती है। जो पतरे आंखों से अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर की वजह से बह जाते हैं, अल्लाह ताला उन आंसुओं की वजह से जहन्नम की आग को भी हराम कर देते हैं, बुझा देते हैं। दुनिया की आग ये पानी से बुझती है, जहन्नम की आग आंसुओं से बुझ जाती है। और दुनिया की ये आग हवा की वजह से और भड़कती है, हवा की वजह से ये भड़कती है, और अगर तेज हवा चलने लगे तो वो आग बुझ जाती है। लेकिन जहन्नम की आग ये हवा से बुझने वाली नहीं, ये जहन्नम की आग किससे बुझेगी? कयामत के दिन जब मोमिन बंदा पुर सिराज से चलेगा, पुर सिराज से उसका गुजर होगा, तो ये जहन्नम की आग कहेगी, असरी या मोमिन, ए मोमिन जल्दी चल, ए मोमिन जल्दी चल, इसलिए कि तेरे ईमान के नूर ने जहन्नम की आग को बुझा दिया। ईमान वालों की ईमान का जो नूर होता है उससे वो जहन्नम की आग बुझ जाएगी। इसलिए किताबों में उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं कि जो बंदा फजर की नमाज के बाद, गौर से सुनिए और उस पर अमल भी करें, बड़ी काम की चीज है, छोटा सा अमल है, लेकिन जहन्नम की आग बुझाने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए बहुत बड़ा ही अमल है। फरमाते हैं कि जो बंदा फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ये विर्द कर ले, 7 मरतबा, बहुत आसान जुमला, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा दे, ए अल्लाह जहन्नम की आग से मेरी हिफाजत फरमा ले, दोज़ख की आग को मुझसे दूर कर दे। फरमाते हैं कि जो बंदा अपने मामूलात में इसको दाखिल करेगा, फजर के बाद, मगरिब के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ ले, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उस बंदे की हिफाजत फरमाएंगे। कितना आसान अमल है, और इससे दो चीज, इस अमल की वजह से दो नमाजों की पाबंदी भी हो जाएगी। भाई फजर के बाद पढ़ना है, आदमी फिक्र से फजर की नमाज पढ़ने लग जाएगा, मगरिब की नमाज के बाद ये पढ़ना है तो मगरिब में भी वो पाबंदी से हाजिर हो जाएगा। वैसे भी आज हमारे जवानों को और उम्मत को वजीफे पढ़ने का बड़ा शौक है, मेहनतें करनी नहीं है और वजीफे पूछते रहते हैं, भाई कर्जदार हो गया हूं तो क्या किया जाए, कर्जदार बन गया हूं, कर्ज से छुटकारे का कोई वजीफा बताओ। तो खाली वजीफे पढ़ने से अगर सारे मसाइल हल हो जाते तो अल्लाह ताला ये दौलत कुरान जो हमें दी है उसका क्या मतलब, ये नमाजों की दौलत दी है उसका क्या मतलब? अगर बड़े से बड़ा कर्ज हो, उलमा ने लिखा है आदमी कितने भी पहाड़ जैसे कर्ज में डूबा हो, अगर मर्द हजरात गुनाहों से बचने लगे, अस्तगफार की कसरत करे, दो अमल,
अगर मर्द हजरात घर के गुनाहों से बचे अस्तगफार की कसरत करे, घर की औरतें मगरिब की नमाज के बाद सूरे वाकिया और सूरे तबारक की तिलावत करे, पहाड़ जैसा बड़ा कर्ज हो अल्लाह ताला वो कर्ज भी उसके जिम्मे से उतार देते। और आज हम लोग वसाइल में असबाब में खोजते हैं, भाई फुलां का कर्ज है फुलां से लूंगा उसको दूंगा, उसका कर्ज है उसको टोपी पहना कर उसको दूंगा, आदमी फंसता जाता है। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है, आज उम्मत का अक्सर तबका सूदी कारोबार में, सूदी लेन देन में, इंटरेस्ट में, ब्याज में पड़ा हुआ है। ये पता इसलिए चलता है कि रोजाना गांव के अंदर वो मोटरसाइकिल पर एक आदमी घूमता है, उसके हाथ में लिस्ट होता है, उसके हाथ में वो नोटबुक होती है जिस पर सबके नाम लिखे होते हैं, वो पता पूछता है कि फुला आदमी का घर कहाँ है, फुला आदमी का घर कहाँ है। पूछते हैं भाई क्या काम है आपको, तो कहा कि उन्होंने हमसे लोन लिया है, उन्होंने हमसे ब्याज पर पैसे लिए हुए हैं, उसका इंटरेस्ट लेने, ब्याज लेने हम लोग यहाँ आए। ये सूदी कारोबार ने हमारे मुस्लिम मुआशरे को खोखला कर दिया। हालात फिर छटने वाले नहीं है, हालात के बादल और घने होते जाएंगे। घरों में सूदी लेन देन आ गया, किसी न किसी तरीके से हम लोग सूद में फंसे हैं, इंटरेस्ट और ब्याज में फंसे हुए हैं। आजकल अगर कोई आदमी किसी के पास कर्ज लेने जाता है तो सामने वाला आदमी पहले पूछता है कि भाई उस पर प्रॉफिट कितना दोगे। ये प्रॉफिट के नाम पर, नफे के नाम पर और न जाने किस किस नाम से वो लोग इंटरेस्ट और ब्याज ले रहे हैं। 10,000 की जरूरत है, वापसी में कितने दोगे, वापसी में 11,000-12,000 दूंगा। अब ये 2,000 ऊपर के ये सूद है, ये इंटरेस्ट के पैसे हैं, इसी सूद के पैसे से वो भी खाएगा, अपने अहलो आयाल को खिलाएगा, अपने माँ बाप को खिलाएगा। फिर बताइए हमारी औलाद ये सूद और ब्याज खाकर हमारी फरमा बरदार कैसे हो सकती है। फिर वो ज़रूर गुनाहों के काम करेगी, वो औलाद ज़रूर माँ बाप की नाफरमानी करेगी, वो औलाद ज़रूर हमें किसी न किसी बड़ी मुसीबत के अंदर मुब्तला कर देगी। अभी चंद दिन पहले एक आदमी आया था कारोबार के सिलसिले में, भाई क्या बात है, तो कहा कि फुला आदमी पढ़ा लिखा है, उसके पास दीन दुनिया दोनों का इल्म, किसी जगह जमीन भी की हिस्सा मिला, बड़े पैसे आए। अब जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं, जिसने कभी देखा नहीं है, रातों की नींद हराम हो जाती है, खुजली होने लगती है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ लगाऊं, इसके कैसे डबल करूँ, तो कहा कि फुलां आदमी ने मुझे इतने पैसे दिए हैं और मैं उसके पैसे से कारोबार बिजनेस करता हूँ। पूछा कि उसकी शक्ल क्या है, तो कहा कि वो मुझे पैसे दे देता है कि भाई ये 10,00,000 रुपए मेरे इन्वेस्ट कर दो, लगा दो कारोबार, उस पर मुझे 5% फिक्स नफा चाहिए, फिक्स मुनाफा 5%। अब 1,00,000 के ऊपर कितना बनता है, अब गिनते जाओ 10,00,000 पे कितने बनेंगे, हर महीने उसको वो चाहिए। अब जहां कारोबार में, तिजारत में मुनाफा, ये प्रॉफिट अगर फिक्स हो जाए, तो फरमाते उलमा ने लिखा है कि ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज और सूद कहलाता है। इसलिए कि कारोबार एक तरह का नहीं होता है, कभी नफा ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी घाटा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन हमारी ये तबीयत है, हमारी ये आदत है, हमारे पैसे डूबने नहीं चाहिए। वो 10,00,000 दिए थे वो तो मुझे चाहिए, उस पर इतना नफा भी मुझे कमा कर दे। अरे भाई मैं डूब गया हूँ, कारोबार में घाटा और नुकसान हो गया है, मैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे 10,00,000 के ऊपर इतना नफा चाहिए, उस शर्त पर मैंने दिया था। अब सोचिए कि आदमी ज़बरदस्ती से सामने वाले से ये सूद ले रहा है,
उसे मजबूर करता है कि तू मुझे सूद दे, तू मुझे ब्याज दे, तू मुझे इंटरेस्ट दे, और सामने वाला आदमी मजबूरी में किसी और को टोपी पहनाता है, किसी और के पास लेकर हमें देता है। ये कारोबार, इस तरह की तिजारत, इस तरह के मामलात शरीयत में बिल्कुल जायज नहीं, और ये कमाए हुए पैसे सरासर हराम हैं, ये जुल्म के पैसे हैं। और अगर यही पैसे हमने अपनी औलादों के ऊपर खर्च किए, वो वक्त दूर नहीं कि हमारी औलाद कभी तो ईमान से महरूम हो जाए, हमारी औलाद कभी गैरों के लड़कियों से शादी करके ईमान और इस्लाम को छोड़ दे, यही हमारी औलाद कोई बड़ा कांड, कोई बड़ा जुर्म करके जेलों में और सलाखों में जाकर बंद हो जाए, और तब हम सब के ऊपर हाथ देकर रोने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया, हमारी औलाद नाफरमान कैसे हो गई। लेकिन हमने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा हमारे मामला कैसे हैं, हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारी तिजारत कैसी है, हमारा लेन देन कैसा है, और हमारा बिजनेस कैसा चल रहा था। सूदी कारोबार जहां आम होता है वहां फनाइयत होती है, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है, अल्लाह की तरफ से आजाब उतरता है, और वहां पर लोग परेशान होते, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जहन्नम की आग से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका और एक बहुत बड़ा अमल ये है, आदमी सूदी कारोबार से और शुबे वाले कारोबार से और ऐसे कारोबार से जिसमें हराम का शुबा हो, जिसमें नाजायज चीज़ों का शुबा हो, उन चीज़ों से दूर रहे। हलाल और पाकीज़ा चीज़ें दिखने में थोड़ी होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसमें बहुत सी बरकतें होती है। अल्लाह ताला शरीयत पर और सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।